इससे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, ईडीसी का यूनिट 3 और यूनिट 4 कवर हो चुका है, सारी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं। आज से हम लोग सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में सॉल्व करेंगे, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1। आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन पेपर 2019 का ईडीसी का पेपर है और यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट क्या है, दिस इज नॉट न्यूमेरिकल, ठीक है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया है, ये थोड़ा सा अलग है। बेसिकली फर्स्ट ईयर तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में थ्योरी का इंट्रोडक्शन ही होता है। आप लोग अपना सिलेबस अगर चेक करेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ एफईडी लिखा होगा, वहां पर एप्लीकेशन मेंशन नहीं होगा। जहां एप्लीकेशन मेंशन नहीं है वहां इंट्रोडक्शन मेंशन है, और जहां इंट्रोडक्शन मेंशन है वहां पर आपसे कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और एप्लीकेशन इन पॉइंट्स पूछा जाता है। फिर भी ये क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन से है, इसको पूछा गया है तो उसको देख लेते हैं। मैं आपको उसका बेसिक समझा देता हूँ, बेहद इजी है, सिर्फ डायग्राम समझना है। हम लोग राइट वाले डायग्राम से शुरू करते हैं, ठीक है। 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग देखना इजी कितना है। ये मेरे पास में एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, एन चैनल जेफेट, जिसको कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया है, सोर्स इज कॉमन। अभी आप कहेंगे सर कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, ये सभी अलग से आपने क्या लगाए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पता है कि ये ग्राउंड कनेक्शन है, आपने ईटी की लैब में ग्राउंड कनेक्शन पढ़ लिया होगा, ये सभी ग्राउंड कनेक्शन है। सारा ग्राउंड एक ही जगह पर कनेक्टेड होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, सारा ग्राउंड एक जगह पर कनेक्टेड होगा, एक जगह पर कनेक्टेड है। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, है ना। ये सभी ग्राउंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, और सेम पोटेंशियल की कोई एक नोड को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते थे 12th क्लास में, इसे हम इक्विपोटेंशियल नोड बोल सकते हैं। और अगर हम सर्किट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेम नोड भी कह सकते हैं, मतलब इसको आगे कभी सॉल्व करेंगे तो इन सबको एक ही पॉइंट पर लाकर जोड़ा जा सकता है, इसका ये मतलब है। जैसे ही ये सारे एक पॉइंट से जुड़ेंगे ये सोर्स कॉमन हो जाएगा इनपुट सर्किट में और आउटपुट सर्किट में, इसलिए कॉमन सोर्स कॉन्फिगरेशन है। क्वेश्चन में कॉमन सोर्स का एफईटी एम्पलीफायर पूछा गया है। कॉमन सोर्स में एन चैनल पी चैनल नहीं दिया है, आप पर डिपेंड करता है आप एन चैनल बनाए या पी चैनल बनाए, जनरली नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है तो भी एन चैनल ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एन चैनल नहीं होगा, पी चैनल होगा तो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट बदलेगा, इनपुट का पोलैरिटी बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें एक जेफेट है, इसका एरो इनवर्ट्स है, इसका इनवर्ट एरो डिसाइड करता है कि एन चैनल है। मैंने बताया था एन मतलब एंटर्स, अगर एन है तो एरो एंटर करेगा, अपोजिट हुआ तो एग्जिट करेगा, है ना। ये हो गया मेरा एन चैनल जेफेट। अब इस एन चैनल जेफेट के साथ एक गेट टर्मिनल है जी, एक सोर्स टर्मिनल है एस, एक ड्रेन टर्मिनल है डी। सर हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। सर आपने इनपुट भी पढ़ा है, इनपुट में एक वोल्टेज सप्लाई दिया करते थे जो इसको रिवर्स बायस करती थी, आपको सबको याद होगा इनपुट सर्किट में गेट इज रिवर्स बायस्ड, है ना। ड्रेन इज ऑलवेज गिवन पॉजिटिव सप्लाई, मैंने बोला पॉजिटिव सप्लाई, मैं इसको नहीं बोल रहा हूं कि कहीं कनेक्टेड है, फिर भी बाय डिफॉल्ट जिस बैटरी का एक पॉजिटिव है उसका एक नेगेटिव भी होगा, यस और नो। यस सर, उसका नेगेटिव ग्राउंड कनेक्टेड होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। आपको ऐसा डायग्राम बना हुआ मिलता है ना क्वेश्चन पेपर में, अगर न्यूमेरिकल बाय चांस आ जाए या आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच से हैं तो आप आगे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ डायग्राम देखने को मिलते हैं, देखने में बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं लेकिन बहुत ईजी है। हर एक का अपना एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, तीनों टर्मिनल्स का, गेट, ड्रेन, सोर्स, जो भी कॉमन होगा उसका कनेक्शन कैपेसिटर का एग्जैक्ट पैरेलल होगा। ये कैपेसिटर्स भी पैरेलल में लगाए हैं लेकिन एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे ही सप्लाई एसी आएगी सभी कैपेसिटर्स शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, ठीक है। आरडी ड्रेन की रेजिस्टेंस है, स्मॉल आरडी इस वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्लियर। R1, R2 गेट टर्मिनल के रेजिस्टेंस है, वी आउट आरडी के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप है, वी इन जो हम सप्लाई करेंगे, दिस इज वी इन जो इनपुट पे सप्लाई की जाएगी जिसको एम्पलीफाई करना है बेसिकली, है ना। एम्पलीफाई करने का मतलब वी नॉट अपॉन वी इन शुड बी ग्रेटर देन 1, आउटपुट इनपुट से ज्यादा होना चाहिए, इजी है ना।
डायग्राम समझ में आया, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ मैंने जो कनेक्शंस दिखाए हैं उनको देख लो, दिस आर टू इज ऑल्सो ग्राउंडेड, दिस आर वन इज ऑल्सो ग्राउंडेड, फिर सर इसको नीचे ही क्यों नहीं बना दिया? बना सकते हैं, इसको नीचे बना सकते हैं, लेकिन इसको क्वेश्चन पेपर में अगर न्यूमेरिकल आया तो आपको ऐसे कनेक्टेड भी दिख सकती है, इसलिए मैंने इसको ऊपर दिखाया। ये कनेक्शन भी वही है, ये ग्राउंड हो रहा है, इसको अलग से ग्राउंड कर सकते हैं, इसको नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया स्टैंडर्ड सर्किट, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करना है तो हमें एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाना पड़ेगा, सही है। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर मैंने सारे ग्राउंड टर्मिनल्स को इकट्ठा कर लिया और एक ग्राउंड दे दिया 0 वोल्ट, एक कॉमन नोड हो गई, और कॉमन नोड सोर्स को इंक्लूड कर रही है, तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, ये भी क्लियर हो गया है। वी इन इनपुट वोल्टेज R1 R2 एक दूसरे के पैरेलल थे, देखो भाई दो अलग अलग पाथ थे, हम करंट देखते हैं, अगर करंट यहां से ऐसे जाएगा तो दो जगह डिवाइड होगा, तो पैरेलल पाथ है, तो पैरेलल पाथ बना लिया R1 और R2। उधर चले जाओ, कैपिटल RD अपनी जगह है, RD के क्रॉस होने वाला ड्रॉप अपनी जगह है। अभी हमारे पास स्मॉल RD आया, बोला सर ये कहां से आया, ये स्मॉल RD क्या है? वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस VDD इन सीरीज विद स्मॉल RD को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं करंट सोर्स इन पैरेलल विद सेम स्मॉल RD, सही है। अब ये VDD क्या है? ड्रेन पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रेन पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ये जो मैंने इक्विवेलेंट बनाया है ब्लू पेन से, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जे फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सर कैसे? हम लोग सभी जानते हैं, कॉमन वाइवा क्वेश्चन है, हम लोगों से पूछा जाता है कि सर आप वोल्टेज सोर्स तो जानते हैं, वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल्स बताएं, हमारे पास बैटरी है, जनरेटर है, DC और AC वोल्टेज सोर्स, सर करंट सोर्स का बताएं, तो हम लोग चुप हो जाया करते हैं। जनरली करंट सोर्स है हमारे डायोड्स ट्रांजिस्टर्स, करंट सोर्स। तो मैंने उसका JFET का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाया, JFET का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा? करंट सोर्स। करंट सोर्स की डायरेक्शन बताई, एंटर्स थी, नीचे की तरफ गई, एंटर नहीं हो रही होती तो ऊपर की तरफ जाती, क्लियर है। अब वो करंट जो लोड में जा नहीं रहा है, लोड से वापस आ रहा है, इसका ध्यान रखना, यहां नेगेटिव साइन डिसाइड करने वाला है कुछ, ये करंट लोड में नहीं जा रहा है, लोड से वापस आ रहा है, जबकि वी आउट की पोलैरिटी डिसाइडेड है, तो हम कह सकते हैं इसकी पोलैरिटी और उसकी डायरेक्शन एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई, गेट अपनी जगह पर है, इसको मैं यहां भी बना सकता हूं ऐसे, सही है। इसको सॉल्व करना है, ये सर्किट समझ में आ गया सर, ये वाला सर्किट भी समझ में आ गया, अगर ना समझ में आए सर किसी को तो कमेंट कर सकते हैं। अब क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है, आपने 3 पॉइंट्स निकालने हैं, 3 पॉइंट्स में क्लियर है। कौन कौन से पॉइंट है? इनपुट इंपिडेंस, व्हाट इज इनपुट इंपिडेंस? इनपुट साइड का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है इनपुट साइड में? टोटल 2 रेजिस्टेंस है सर, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, कि कोई नहीं बोलेगा आपसे इसको सॉल्व करके दिखाओ जब तक न्यूमेरिकल ना आए। ये इनपुट इंपिडेंस, व्हाट इज आउटपुट इंपिडेंस? सर आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस कितना है? RD स्मॉल RD पैरेलल में कैपिटल RD, ये आउटपुट साइड का इंपिडेंस हो गया। आउटपुट साइड की इंपिडेंस और इस इंपिडेंस में आने वाला करंट, इस इंपिडेंस में जितना करंट आएगा वो आउटपुट वोल्टेज बनाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप की डेफिनेशन जानते हैं आप सभी, रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा वो आउटपुट वोल्टेज बनाएगा। तो Z0 मल्टीप्लाइड बाय इसके अंदर आने वाला करंट, करंट की वैल्यू कितनी है? GM और VGS। मैं बताता हूं आपको VGS और GM क्या है, ये होगा हमारा V0। अब आपने समझना है GM और VGS क्या है। GM इज ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस मतलब जो इनपुट और आउटपुट दो अलग अलग पोर्ट से संबंधित होने की वजह से बनी है, ठीक है। VGS क्या है? इनपुट वोल्टेज अप्लाइड। आपने क्या समझना है, व्हाट इज करंट? ओम्स लॉ जानते हैं आप सभी, व्हाट इज करंट? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो 1/R × V करते हैं, 1/R इज G,
दिस जी इज कंडक्टेंस, दिस वोल्टेज इज सप्लाइड वोल्टेज या फिर अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज इज VGS इस केस में, और कंडक्टेंस ट्रांस कंडक्टेंस है उसको के स्मॉल जी और एम से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये करंट की वैल्यू ऐसे बनी, याद रहेगा ये GM और VGS है, ये करंट की वैल्यू है. क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो V नॉट इज इक्वल टू माइनस GM VGS इंटू जेड नॉट आउटपुट इंपिडेंस. V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से, ठीक है. अब मेरे पास V नॉट है, ZI और Z नॉट समझ में आ गया, इसको मैं रब कर देता हूं. इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसको फिलहाल के लिए हटा रहा हूं, ठीक है. ग्राउंड लगाया जाए या फिर सिर्फ एक रेफरेंस लाइन दिखाई जाए, एक ही बात होती है सर्किट थ्योरी में. V नॉट इज इक्वल टू आ गया था माइनस ट्रांस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू करंट. ये तो है करंट विद अपोजिट डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल इंपेडेंस Z नॉट. ये बनेगा क्या? आउटपुट वोल्टेज. तीसरा पॉइंट जो आपने निकालना है वो है वोल्टेज गेन. वोल्टेज गेन इज वी नॉट अपॉन वी आई. वी नॉट कितना है? माइनस जी एम वी जी एस जेड नॉट. और वी आई कितना है जरा देखो, एग्जैक्ट पैरेलल ब्रांचेस हैं गेट से सोर्स तक का वोल्टेज. इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दो नोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज VGS, ठीक है. सेम पोटेंशियल VGS, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है बीच में. सेम पोटेंशियल पैरेलल ब्रांच है VGS. VGS इज इक्वल टू वे इन, इनपुट वोल्टेज इज एग्जैक्टली पैरेलल टू VGS. सेम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, ये वाला और ये वाला, ऐसा ही तीनों नीचे जीरो वोल्ट हैं. तो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसका इस ब्रांच का सेम होगा. VGS और VN बराबर हैं, तो मैं इसको लिखता हूं VGS. VGS VGS कैंसिल, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू माइनस GM और Z नॉट. यहां आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है. सर सिर्फ इतना करने से मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे. आपने एक्स्ट्रा क्या करना है इसके अंदर, आपने जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन किया है उसको स्टेटमेंट में डिफाइन भी करना है. लाइक वी हैव टू कैलकुलेट फॉलोइंग क्वांटिटीज टू डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ JFET एज एन एम्पलीफायर. नंबर वन इज इनपुट इम्पिडेंस. इनपुट इम्पिडेंस ZI इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला, आउटपुट इम्पिडेंस उसका फॉर्मूला, देन वोल्टेज गेन उसका फॉर्मूला. जितनी चीजें मैंने ओरली बोली है उसको आपको स्टेटमेंट में भी लिखना है. ऐसा करने से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट के लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. लेक्चर नंबर 12 आपने रेफर करना है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में आपसे NMOS के बारे में पूछा हुआ है. सर NMOS में क्या नया है? आप लोगों ने एनहांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड के एन चैनल MOSFET पढ़े हुए हैं. उनमें से एन चैनल MOSFET एनहांसमेंट मोड वाला इज NMOS, ठीक है. तो उसकी वीडियो भी ऑलरेडी है चैनल के अंदर, आप लोग लेक्चर 11 उसके लिए रेफर कर सकते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट. के मैप और के मैप की मदद से आपसे एक बुलियन एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन पूछा हुआ है. बुलियन लॉ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि के मैप से करना है. तो के मैप कैसे बनाना है वो देखते हैं. के मैप में कितनी सेल्स होंगी, कैसे प्लॉट होगा, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं. के मैप बना करके सॉल्यूशन कैसे निकालना है जो कि डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा, कितना इजी है, इस छोटे से बोर्ड पर इतने छोटे से स्पेस में कंप्लीट हो जाएगा. और इजीली 8 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, कई बार 12.5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में पूछा जाता है. क्वेश्चन में हम लोगों को 4 वेरिएबल गिवन है, एन की वैल्यू 4 गिवन है. अगर 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए के मैप बनेगा तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4 इतने नंबर ऑफ सेल्स होंगे. 16 नंबर ऑफ सेल्स वाला के मैप बनाना है. 1 2 3 4 4 कॉलम 4 रो, 16 नंबर ऑफ सेल्स हो गई. सेल नंबर देना बहुत जरूरी है. मैंने आपसे इतना बताया है जो आपको याद रखना है, जो लोग पहली बार देख या सुन रहे हैं मुझे. थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम के नंबर इंटरचेंज होंगे सारे, है ना. और थर्ड रो और फोर्थ रो के नंबर इंटरचेंज होंगे. 0 से शुरू करना है और 15 तक जाना है. 0 1 इंटरचेंज है,
टू थ्री फोर फाइव इंटरचेंज सिक्स सेवन, फिर रो इंटरचेंज है एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, सिक्सटीन नंबर ऑफ सेल्स हो गए। इनके लिए इनके ग्रे कोड लिख लेते हैं। ग्रे कोड जिसको नहीं पता है बता दूं, जैसे हमारे पास अगर दो नंबर ऑफ टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, दो ही वेरिएबल अगर हमारे पास में है तो 00011011 ट्रुथ टेबल में इनपुट लगाते थे हम, उन्हीं को ग्रे कोड बोलते हैं, सेट ऑफ इनपुट्स। तो 0001 रो इंटरचेंज है तो 10 पहले नीचे आएगा और 11 उसके बाद थर्ड की जगह पे आएगा। 00011011 मैं इसी के मैप के अंदर, कुछ लोग नहीं करते हैं उसको, मैं करता हूं, आप भी करें, बहुत इजी हो जाएगा। ए और बी की प्रोडक्ट टर्म्स या फिर सम टर्म्स जो भी बनेंगे इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इनके साथ लिखूंगा, है ना। प्रोडक्ट टर्म्स लिखनी है या सम टर्म्स लिखनी है डिसाइड करेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिग्मा दिया है, सिग्मा रिप्रेजेंट्स एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, तो हमें प्रोडक्ट टर्म्स बनानी है, ठीक है। उन प्रोडक्ट टर्म्स को मिन टर्म्स भी बोलते हैं, एम फोर मिन टर्म्स, स्मॉल एम इज मिन टर्म्स। तो ए और बी के लिए एसओपी के अंदर वन इज नॉर्मल वेरिएबल, जिसको नहीं पता है वो याद कर ले, वन नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। वन अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो जीरो हमारे घर का नहीं है, वन इज नॉर्मल मतलब घर का, जीरो मतलब बाहर का, जो बाहर का है वो बाहर लेके आएगा, बाहर का वेरिएबल जीरो था तो ए के ऊपर बार, बी की वैल्यू जीरो है तो बी के ऊपर बार, ए की वैल्यू जीरो तो ए के ऊपर बार, बी की वैल्यू वन तो बी, ए बी ए बी बार, जहां जीरो, जीरो हमारा नॉर्मल वेरिएबल नहीं है तो जीरो की वैल्यू वेरिएबल के ऊपर बार लगाना है। ऐसे यहां पर सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी और डी बार, जहां जीरो उसके ऊपर बार, ठीक है। ये मेरा के मैप कंप्लीट रेडी है एसओपी के लिए। अब समझो कि आपका क्वेश्चन लगभग खत्म है, बहुत इजी हो गया। कैसे सर? प्लॉटिंग करनी है, के मैप रेडी है, प्रिपेयर हो गया। प्लॉटिंग करने के लिए आपको ऑलरेडी सेल नंबर्स गिवन है, जहां जहां सेल नंबर गिवन है एसओपी के लिए वन पुट करते हैं। सेल नंबर जीरो में वन पुट करो, सेल नंबर वन में वन पुट करो, सेल नंबर टू और थ्री टू थ्री, सेल नंबर फाइव और सेवन फाइव और सेवन, सेल नंबर एट एट नाइन इलेवन फोर्टीन। काउंट जरूर कर लेना, कभी कोई वन मिस ना हो। वन टू थ्री फोर फाइव प्लस फाइव टेन होने चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टोटल टेन वन थे, हम लोगों ने प्लॉट कर लिए। तो के मैप प्लॉटिंग भी डन, के मैप प्लॉटिंग डन के बाद ग्रुपिंग करनी है आप लोगों ने। ग्रुपिंग कैसे होगी? मैंने बताया था कि हमारे पास तीन तरह की ग्रुपिंग है, ऑक्टेट्स क्वार्ट्स और पेयर्स, है ना। तो ऑक्टेट को पहली प्रायोरिटी देनी है, अगर ऑक्टेट बन सकता है तो पहले ऑक्टेट ही बनाएंगे। ऑक्टेट के लिए आठ, टोटल नंबर ऑफ एट सेल्स एडजेसेंट एक दूसरे के साथ चाहिए। क्या एट नंबर ऑफ सेल्स कहीं पर एक साथ हो पा रही है? सर नहीं हो पा रही है, तो हम क्वार्ट्स की तरफ चलेंगे। क्वार्ट इज फोर नंबर ऑफ सेल्स विच आर एडजेसेंट, है ना। तो देखते हैं कौन कौन सी सेल, चार होनी चाहिए कम से कम जो दूसरे के साथ हैं, कम से कम भी और ज्यादा से ज्यादा भी। एक दो तीन चार, चार एलिमेंट एक साथ हैं, ये हमारे पास पहला क्वार्ट बनता है, क्वार्ट वन। उसके बाद वन टू थ्री फोर, सर ये मुझे इजीली दिखाई दे रही है तो इसको भी बना लो, दूसरा क्वार्ट बन गया। सर इनका क्या करें, पेयर बनाए क्या? पहले क्वार्ट देखो, सर ऐसे क्वार्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, मैंने बताया पहले वीडियोस में। क्वार्ट सिर्फ डायगनली नहीं बनेगा, ग्रुपिंग में डायगनल अलाउड नहीं है, अदरवाइज सब अलाउड है। एक क्वार्ट, ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट मिला के बना। एक और क्वार्ट मुझे दिखाई देता है, आप भी ध्यान से देखो, वन बाय वन सारा कुछ देखना है, अदरवाइज बाद में देखने में कॉम्प्लेक्स लगे, ऐसा हो सकता है। वीडियो रिवाइंड कर लेना अगर दिक्कत होती है समझने में।
दो एलिमेंट ये और दो एलिमेंट ये, इनको मिलाकर के भी क्वाड बनता है। सर टोटल चार क्वाड बन गए, क्या मैं और क्वाड बना सकता हूँ? नहीं सर, अगर एक एलिमेंट यहाँ और होता तो आप एक नहीं तीन और क्वाड बना सकते थे, लेकिन वो नहीं है सर, एक एलिमेंट बच गया। अगर जो एलिमेंट बचा है वो वन है या फिर जीरो है पीओएस फॉर्म के लिए, उस आइसोलेटेड एलिमेंट को आउटपुट में काउंट करेंगे। लेकिन अगर डोंट केयर कंडीशन हो, लेक्चर नंबर 26, तो डोंट केयर कंडीशन के अंदर जो एक्स हम यहां पर लगाएंगे वो काउंट नहीं होगा आउटपुट में, ठीक है? सिर्फ डोंट केयर स्पेशल कंडीशन है, एक्सेप्शनल केस होता है। इसका सॉल्यूशन करके दिखाओ सर, बहुत सारे क्वाड आपने बना दिए, बहुत इजीली होगा दोस्त। क्वाड वन देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप यहां देखना, ठीक है? क्वाड वन में नंबर ऑफ सेल्स कौन कौन सी हैं? 0132, 0132, सही है। इस क्वाड वन के लिए सर आउटपुट बता दो, आउटपुट भी लिख लेते हैं। आउटपुट लिखने के लिए आपको क्या देखना है, मैंने बताया था जब भी हम एक वेरिएबल से एक वेरिएबल वन से दूसरे वेरिएबल वन तक जाएंगे, किसी एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे, तो जो वेरिएबल चेंज हो गया ऊपर सी और डी में, ए और बी में देखना है, जो वेरिएबल चेंज हो गया उसको एलिमिनेट कर देंगे। जब हम सेल नंबर जीरो से वन की तरफ जाते हैं तो डी बार से डी चेंज हो जाता है, तो डी इज एलिमिनेटेड। जब सेल नंबर वन से थ्री जाएंगे तो सी बार से सी चेंज हुआ तो सी भी एलिमिनेटेड। बचा क्या? ए बार बी बार, कितनी भी सेल इंटरचेंज कर लो, ए बार बी बार इज कॉमन फॉर ऑल दी फोर सेल्स, है ना? तो पहला आउटपुट हमारा ए बार, यानी कि पहली प्रोडक्ट टर्म हमारी ए बार बी बार, सही है। सर दूसरा वाला बताओ, दूसरा भी देखो, क्वाड टू, क्वाड टू मैंने कौन सा लिया है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको देखकर याद ना करना पड़े। 1357, इसको मैंने क्वाड टू लिया है, 1357। सर इस बार तो कोई एक रो कॉमन नहीं है, अच्छी बात है। जब मैं वन से फाइव की तरफ जाता हूं या थ्री से सेवन की तरफ जाता हूं तो ए बार तो सेम है, बी बार से बी चेंज होता है, तो बी बार से बी चेंज हुआ तो एलिमिनेटेड, जो कॉमन है उसको लिख लो ए बार। जब मैं कॉलम नंबर वन से थ्री, सेल अगर वन से थ्री जाऊंगा तो यहां सी बार डी से सी डी बनता है, डी तो कॉमन है, सी बार से सी चेंज होगा तो एलिमिनेटेड, डी कॉमन था लिख लिया, दिस इज द आउटपुट, इजी है। क्वाड थ्री बनाओ अपने आप से, देखो क्वाड थ्री की सेल्स मैं बता देता हूं, 0189, 0189 ये हमारा तीसरा क्वाड है, 0189, ठीक है? इससे अगर क्वाड बनाया है तो सर आउटपुट क्या होगा, थर्ड आउटपुट बताओ, आप लोग देखें 0189, आप इस वाली रो से इस वाली रो पर आ रहे हैं, ए बार बी बार से ए बी बार पर आते हैं, ए बार से ए चेंज होता है तो ए एलिमिनेटेड, बी बार कॉमन है, मैंने बी बार लिख लिया, सही है। इस कॉलम से इस कॉलम में जाते हैं, इधर भी आपके वेरिएबल्स हैं, इस वाला क्वाड को हम ले रहे हैं 0189, तो जब इस वन से इस वन की तरफ जाएंगे, जीरो से वन की तरफ जाएंगे, तो सी बार तो सेम है सर, डी बार से डी चेंज होता है तो डी एलिमिनेटेड, सी बार सेम था तो लिख लिया, जो चेंज हुआ उसे हटा दो, जो कॉमन हो उसको रख लो, ये हमारा थर्ड आउटपुट। सर क्वाड फोर के लिए बताइए, क्वाड फोर भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। क्वाड फोर कौन सा है? 1391, समझ में आ रहा है? 1391, जो भी ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, 13911 हुआ। इसके लिए मुझे चेंज देखने हैं, 13911 कॉलम कौन सा चेंज होता है? सी बार डी से सी डी जाता है, सी बार से सी, सी एलिमिनेटेड, डी कॉमन है तो डी मैंने लिख लिया। ऊपर फर्स्ट रो से फोर्थ रो आती है, ए बार बी बार से ए बी बार आता है, ए बार से ए चेंज हुआ तो ए एलिमिनेटेड और बी बार कॉमन था तो लिख लिया, ये मेरा फोर्थ क्वाड है। इसके बाद कोई क्वाड नहीं बना, एक आइसोलेटेड नंबर था, क्या नंबर था आइसोलेटेड? वन। सेल नंबर कौन सा था? 14। सेल नंबर 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो कौन सी है? ए बी। सेल नंबर 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा है? सी डी बार। ये पांच आउटपुट आपको मिल गए,
पांच प्रोडक्ट टर्म्स आपको मिल गई। अब आपको जो आउटपुट लिखना है उसे क्या करना है, व्हाट इज वाई, वाई इज वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर प्लस वाई फाइव। फर्दर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर है। आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन इजी था, बहुत आसानी से समझ में आया। जिसे भी ना समझ में आए कमेंट्स में पूछ सकता है। लेक्चर नंबर 12, 11 ये आपको रेफर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बी और 9th ए के लिए।